नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार में मॉनसून को लेकर। पूरे देश के साथ साथ बिहार में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि हिंद महासागर में एक्टिव एलिना के कारण मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि फिर से पूरे देश में मॉनसून समय से आएगा और बारिश सामान्य या फिर सामान्य से अधिक हो सकती है। दैनिक भास्कर को दिए अपने इंटरव्यू में मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हिंद महासागर में सरफेस पर गर्मी के कारण प्रभाव बढ़ रहा है। इधर मौसम के जानकारों ने यह भी कहा है कि हिंद महासागर में जब लानीना एक्टिव होता है तो मॉनसून प्रभावी होता है। लानीना का मतलब ही होता है कि गर्मी होना। ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि गर्मी से ही मॉनसून का निर्धारण होता है। वहीं यह भी बताया गया है कि अगर हिंद महासागर में लानीना एक्टिव है तो इसका मतलब हुआ कि ठंड होता है। अगर ठंड हुई तो बारिश कम होगी और ऐसी स्थिति में सूखा पड़ने की पूरी संभावना बन सकती है। लेकिन इस बार लानीना एक्टिव होने के कारण एक तरह से कहा जा रहा है कि गर्मी खूब पड़ेगी, लेकिन बरसात के मौसम में भी बारिश खूब झमाझम होगी। इधर मौसम विभाग के जानकारों ने यह भी कहा है हिंद महासागर में लानीना एक्टिव है, ऐसे में मानसून के सक्रिय रहने की पूरी संभावना है। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इधर विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि सामान्य बारिश के माप में भी बदलाव किया गया है। यानी कि यह कहा गया है कि पहले से जिस तरह के सामान्य बारिश की माप की जाती थी, अब जो है उसमें बदलाव किया गया है। पहले 1961 से लेकर 2010 के डाटा के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता था, लेकिन अब जो है 1997 से लेकर 2020 के डाटा के आधार पर जो है सामान्य बारिश को लेकर निर्धारण किया जाता है कि इस दौरान जो है सामान्य बारिश होगी, सामान्य से कम होगी या फिर कम होगी। अब जो है इस बार का जो अपडेट है उसमें कहा गया है कि सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना है। इधर बिहार में मॉनसून को लेकर मौसम के जानकारों का कहना है कि वर्तमान में जो स्थिति है उसे देखते हुए प्रदेश में सामान्य बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बिहार में इस बार मॉनसून 13 से 15 जून के बीच में सक्रिय हो जाएगा, यानी कि प्रभावी हो जाएगा। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो प्रदेश में 13 जून को यास तूफान का खतरा था और इन दिनों प्रदेश में जमकर बारिश हुई थी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। अगर हम पिछले साल के मानसून के समय को अगर हम देख लें तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जमकर बारिश हुई थी और पिछले साल 1044.5 mm बारिश दर्ज किया गया था। विभाग ने यह भी बताया है कि पिछले साल मानसून के सक्रिय होते समय यास तूफान का असर था, लेकिन इस बार भी स्थिति को अगर हम देखें तो इस बार भी कहा गया है कि 99% सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। एक तरह से कह लें कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो है मॉनसून सक्रिय रहेगा और औसत से भी अधिक जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में फसलों को लेकर भी जो है अच्छी खबर है। खास करके धान की अगर हम बात कर लें तो वो फसल जो है काफ़ी प्रभावित होता है मॉनसून को लेकर। ऐसे में किसानों के चेहरे पर खुशी आने वाली खबर यह सामने आई है मौसम विभाग की तरफ से। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।